शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 21 फरवरी 2024। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने ज्ञान और योग पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे में ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु योग का जौहर चाहिए। जैसे कोई तलवार में जौहर ज्यादा होता है तो वह तीखी होती है, उनका दाम भी बहुत होता है। तो बाबा कहे, ऐसे तुम बच्चों में भी है, कोई में ज्ञान बहुत है, कोई में योग का जौहर कम है। बाबा कहते, जो बांधे लिया है वह शिव बाबा को बहुत याद करती है, उनमें योग का जौहर बहुत है, ज्ञान में योग का जौहर नहीं, तो जैसे कुकड़ ज्ञानी हो गए। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति बनानी है कि सब कुछ देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं, एक बाबा से ही प्रीत जुटी रहे। तब गाया जाता है, कम कार डे दिल यार डे, ऑफिस घर का कामकाज करते हुए भी सदा यह स्मृति बनी रहे, बाबा ने मुझे फरमान किया है, मुझ एक बाप को याद करते रहो, जैसे भक्ति मार्ग में कामकाज करते हुए अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तुम बच्चों को कर्म करते हुए भी अपने को आत्मा समझ अंतर्मुखी हो, एक बाप को याद करना है। तीसरा, बाप समान पैगंबर बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को प्रदर्शनी के जो मुख्य मुख्य चित्र हैं, जैसे सीढ़ी का चित्र है, सृष्टि चक्र गोले का चित्र है और विराट रूप का चित्र है, ऐसे मुख्य मुख्य चित्र मुख्य मुख्य जगह पर लगाने चाहिए, जहाँ से लोग दूर से देख और पढ़ सके। उसके लिए एकांत में रहकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। और सेवा करने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चों में ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए और चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश न हो, तब ऊंच पद पा सकते हैं। और फिर कहा, बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दोनों पहिए ठीक चलते रहे, एक दो को सावधान करते रहना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी एक जैसी चाहिए, एक दूसरे को आप समान बनाने की सेवा करनी है। और बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे ही गाते आए हो कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपसे ही सुनेंगे, एक आपसे ही सर्व संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। तो बाबा कहे, अब मैं तुम बच्चों को वायदा याद कराता हूँ कि तुम मुझ एक बाप के साथ योग लगाएंगे, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजयी होंगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। आज मुरली से प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर में बाबा ने कहा, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा, एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। स्पष्टीकरण है, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूले, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय बहुत मदद मिलेगी।
बाबा ने आज विशेष अशरीरी बनने के अभ्यास पर अटेंशन दिलाया और मुरली में भी बाबा ने विशेष अशरीरी बनने के लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए कहा कि जब चाहो अपना कार्य व्यवहार करने के लिए शरीर का आधार लो और जब देखो इतना कार्य नहीं है तो शरीर से एकदम डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ऐसा बाबा कहते हैं, सारे दिन में बीच बीच में दो दो मिनट का अभ्यास करेंगे तो अंत में यह अभ्यास बहुत मदद करेगा। आज का स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 21 फरवरी का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, एक दो का मुख मीठा कराने के साथ साथ आपका मुखड़ा चेहरा भी मीठा हो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। बाबा ने बड़ी विशेष बात बताई कि अगर सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, कोई सेवा नहीं है, तो कम से कम मीठी शक्तिशाली दृष्टि से ही सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।